दोस्तों नमस्कार। दोस्तों देखना, ये हमारी गर्म पानी की टैप है। जब इस तरह से हो, कभी ना ऑन हो, तो आप देखना इसके अंदर हमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं और ये क्यों ऑन नहीं होता। ये हमारी गर्म पानी, ये हमारा ठंडा पानी। दोस्तों इस तरह से गैस गीजर ऑन ना हो, और कई भाइयों को पता नहीं होता, जब गैस गीजर लगाते हैं तब सेल हमें चेक करनी चाहिए ये कितने चल चुके हैं। दोस्तों सेल को हमें एक सीजन बाद चेंज करने चाहिए, सेल की वजह से ये कट आउट नहीं होता। ये इसके अंदर दो सेल हैं, ये लॉक है। लॉक को इस तरह से उंगली से दबा ले और सेल बाहर निकलेंगे। ये देखना, हमने सेल ये निकाल दिए हैं और दो सेल अब ये निप्पो के डालेंगे इसके अंदर। इस तरह से लॉक लग गया और ये लगा दिया। लगाने के बाद इसको वापिस लॉक कर दें। अब टैप खोलना, दोस्तों देखना, कई बार पानी खारा होने के कारण सोरा और आर्डिक्स आने से ये जम जाता है, इसलिए पानी का प्रेशर नीचे टैप में आता नहीं। हमने पीवीसी कनेक्शन खोल लिया, इसको भी खोल कर साफ कर लेना चाहिए। देखना, हमने सेल बदलने के बाद एक बार ये पानी खोल दिया है और आप और लगा कर देखना, देखो बात भी निकलने लगी है पानी के अंदर। इस तरह से दोस्तों बगैर प्लम्बर आप अपने गैस गीजर को इस तरह से चेक कर सकते हैं, या सेल की कमी है या पानी की कमी है। देखना अब फुल गर्म पानी आ चुका है। दोस्तों गैस का लेवल बढ़ा दें। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो, शेयर लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।